हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग मिस्टर अकाउंट्स। इस वीडियो में हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन बेस होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की सेकंड मेथड पे। इसके पहले वाला जो वीडियो था, उस वीडियो में हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की मेथड नंबर 1 पढ़ी थी, उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें न्यू कैपिटल जो रहती थी वो गिवन रहती थी, लेकिन यहाँ पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स रहेंगे उनकी जो कैपिटल रहेगी वो उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैलकुलेट की जाएगी। ठीक, तो ये जो मेथड्स हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल टॉपिक की, ये तीन हैं। एक हमने पिछले वीडियो में देख ली जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली है, वो इसमें देख रहे हैं, और नेक्स्ट वाले में एक अलग ही मेथड होगी। ठीक, सो गाइस, जो क्वेश्चन है जो इस वीडियो में हम करने वाले हैं, वो क्वेश्चन है टी एस गरेवाल का, क्वेश्चन नंबर 47, जो कि पेज नंबर 6.48 पे है। ठीक, सो गाइस, क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे भी, एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ठीक है, देखो वो कह रहा है कि X, Y एंड Z पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कितना दिया क्वेश्चन में, 5:3:2। ठीक, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। आगे क्या बोल रहा है कि ऑन 31 मार्च 2015 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। ईयर के एंड में इनकी जो बैलेंस शीट थी वो इस प्रकार थी, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक, अब यहाँ पे आगे देखते हैं नीचे क्या लिखा है कि ऑन द अबव डेट Y रिटायर्ड एंड X एंड Y एग्री टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो तारीख दी हुई है आपको 31 मार्च 2015, इस पर्टिकुलर डेट में एक पार्टनर जिसका नाम है वाई, ये जो है वो क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, वाई हो रहा है रिटायर। ठीक, और एक्स और वाई ने डिसाइड किया है कि वो फर्म को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, तो देखो अब फर्म को कंटिन्यू करेंगे तो किस आधार पे कंटिन्यू करेंगे, वो पॉइंट्स भी आपको गिवन है। देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 51,000। Y की रिटायरमेंट की डेट पर गुडविल की जो वैल्यू थी वो थी 51,000। गाइज, ये जो है कोई बुक वैल्यू नहीं है, ये जो है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू है। ठीक, इसके बेस पे कंपनसेशन कैलकुलेट होगा। ठीक, पॉइंट नंबर सेकंड देखिए, देर वॉज अ क्लेम ऑफ 4,000 रुपीज फॉर वर्कमैन्स कंपनसेशन। देखो यहाँ पर एक वर्कमैन ने, हमारे ही एक एम्प्लॉय ने एक क्लेम किया कि उसको कंपनसेशन चाहिए, उसका कुछ एक्सीडेंट हो गया होगा वगैरह वगैरह, तो उसने कितने क्लेम की मांग किया, 4,000 रुपीज़ के। ठीक, तो उसको हमको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो एक तरह इंक्रीज इन लाइबिलिटी है, फर्म की लाइबिलिटी बढ़ गई। तो चलिए यहीं से अपन रिवैल्यूएशन बनाना भी स्टार्ट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, ये जो 4,000 रुपीज़ हैं ये आएंगे डेबिट साइड। ठीक, 4,000 रुपीज़ यहाँ पर आएगा वर्कमैन क्लेम। ठीक, वर्कमैन क्लेम के नाम से 4,000 रुपये डेबिट साइड में लिखे जाएंगे, बिकॉज इज अ काइंड ऑफ लॉस। लॉस क्यों, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, फर्म को ये पैसा देना पड़ेगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वॉज टू बी रिड्यूस्ड बाय 1,000 रुपीज, वॉज टू बी रिड्यूस्ड। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखो कि आपको बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना दिया है। बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 दिया है। ठीक, तो रिड्यूस कितना हो रहा है, और वो बोल रहा है कि 1,000 रिड्यूस हो रहा है, मतलब 1,000 घट रहा है प्रोविजन। प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है, इट मींस देयर इज डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इसके नाम से 1,000 रुपये क्रेडिट साइड आएंगे, बिकॉज प्रोविजन की वैल्यू 1,000 रुपए से रिड्यूस हो रही है, 1,000 रुपए से घट रही है। ठीक, देखो अब यहाँ पर आगे क्या बोला है आपको, हाँ इसको स्टार्ट में एक चीज और बता दूं इसी से रिलेटेड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। देखो यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई रिजर्व या कोई तरीके का फंड नहीं दिया, इसलिए आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर पूरे 4,000 रुपए एज अ लॉस लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इंक्रीज इन असेट और इंक्रीज इन लाइबिलिटी लिखी जाती है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्रीज इन असेट या इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन असेट या डिक्रीज इन लाइबिलिटी से रिलेटेड जो लॉस या प्रॉफिट होता है वो लिखा जाता है। तो अगर किसी भी तरीके का रिजर्व या फंड होता वर्कमैन क्लेम से रिलेटेड, तो फिर हम उससे रिकवर करते। जैसे मान लो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर फर्म के पास 3,000 रुपये का रिजर्व होता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो कंपनी वो फर्म क्या करती कि 3,000 रुपये है तो 3,000 रुपये जो है उसको इस्तेमाल करके ये 4,000 रुपये देती। ठीक, और 1,000 रुपये खुद की तरफ से देती, और 3,000 रुपये कहाँ से देती, रिजर्व से देती। तो उस कंडीशन में यहाँ पर 1,000 रुपये लिखे जाते। ठीक, यहाँ पर 1,000 रुपये लिखे जाते अगर
3000 रुपए का रिजर्व होता तो, लेकिन इस क्वेश्चन में किसी भी तरीके का रिजर्व नहीं है. दैट इज द सिंगल रीजन वाई हमने यहाँ पर 4000 रुपए पूरे के पूरे लिखे, क्योंकि पूरे के पूरे फर्म के लिए लॉस है. ठीक, तो आगे देखो, वाई विल बी पेड. देखो यहाँ रिवॉल्यूशन के पॉइंट यहीं तक खत्म हो गए, बस दो चीजें थी, एक वर्कमैन कंपनसेशन और पीडीडी. ठीक, तो देखो यहां पर अब हम देखते हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. जैसे कि आपको दिख ही रहा था कि 4000 रुपए लॉस है और गेन सब 1000 रुपए का हुआ, इट मींस 3000 रुपीज का फर्म को क्या हो रहा है, रिवॉल्यूशन अकाउंट में लॉस हो रहा है एज अ रिवॉल्यूशन रिवॉल्यूएशन. ठीक, तो 3000 रुपीज का जो लॉस था वो हमने तीनों पार्टनर्स को, मतलब एक्स वाई जेड, इन तीनों पार्टनर्स को इन्हीं के ओल्ड रेशो में बांट दिया. ठीक, तो हमने 3:2 में बांटा, तो 1500, 900 और 600 इनका लॉस हो गया. ठीक, अब देखो आगे क्या बोल रहा है कि वाई विल बी पेड रुपीज 8200 इन कैश एंड द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट विच विल बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. देखो ये जो पॉइंट है ये तो आपको समझो पार्टनर्स कैपिटल के बाद काम आएगा. तो सबसे पहला हमारा काम है कि हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है. तो देखो पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में यही चीज लिखी जाती है, कैपिटल आपको बैलेंस शीट में कितनी दी हुई है, 50,000, 40,000 और 20,000. ये हो गया आपकी ओपनिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स. ठीक, एक्स वाई जेड कितनी कैपिटल होगी. अब देखो हाँ, अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो लॉस हुआ है इसको ट्रांसफर कर लेते हैं डेबिट साइड पे, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर होता. ठीक, यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 1500, 900 एंड 600. ये हो गया इनका लॉस ट्रांसफर. अब देखो एक चीज, हाँ आपको बैलेंस शीट में क्वेश्चन में दिख रहा होगा लाइबिलिटी साइड पे IFF मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. ये जो फंड है इससे रिलेटेड हमको तो कोई तरीके की लाइबिलिटी नहीं दी है, या फिर ना ही कोई इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन है. ठीक, देखो इन्वेस्टमेंट आपको 19,000 के दिख रहे थे, लेकिन जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसमें कोई भी तरीका की ये जानकारी नहीं दी है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में किसी भी तरीके का चेंज हुआ है, किसी भी तरीके का परिवर्तन हुआ है. तो ये जो IFF होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसका कोई काम ही नहीं है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में कोई फ्लक्चुएशन ही नहीं हुआ है. ठीक, तो ये जो IFF होगा ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को, IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स को इनके ओल्ड रेशियो में. देखो कहाँ गया, कितना है 10,000. ठीक, तो इस रेशियो में अगर डिवाइड करें तो 5,000, 3,000 और 2,000, ये क्या ट्रांसफर हो गया इनका IFF. ठीक, अब देखो एक और चीज, बैलेंस शीट में आपको लाइबिलिटी साइड पे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है. जिस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक, कितना ट्रांसफर होगा, ये 40,000 रुपए है, 40,000 रुपए को अगर हम ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा 20,000, इधर आएगा 12,000 और यहाँ पे आएगा 8,000. ये क्या ट्रांसफर हो गया, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर हो गया. ये आपको बैलेंस शीट में गिवन था, मतलब लाइबिलिटी साइड था, इसलिए हमने इसको ट्रांसफर किया. जैसे इसको ट्रांसफर किया वैसे इसको ट्रांसफर किया, दोनों ओल्ड रेशो में ही होगा. ठीक, अब देखो कोई चीज और चीज दी है क्या, हाँ अब एक लास्ट चीज जो कि आपको पहले ही पॉइंट में दी हुई थी, वो क्या थी, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 51,000. तो ये जो वैल्यू है वो फर्म की वैल्यू है. ठीक, हम कौन रिटायर हो रहा है, वाई रिटायर हो रहा है. ठीक, वाई अगर रिटायर हो रहा है तो इसके वो इसके हिस्से की गुडविल मिलेगी. वाई का हिस्सा कितना है, 3/10. ठीक, 3/10 अगर हम यहाँ पे करेंगे तो इसके हिस्से की जो गुडविल निकल के आएगी वो निकल के आएगी 15,300 रुपीज. मतलब ये जो 15,300 रुपए है ये किसको मिलेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को मिलेंगे, इट मींस वाई को मिलेंगे. और अब सवाल ये आता है कि कौन देगा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि शेयर जो गेन करेगा वाई के वो देगा. तो पहले हम ये निकाल लें कि किसने कितना गेन किया. ठीक, तो किसने कितना गेन किया कैसे निकालेंगे, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. ठीक, तो इतना बड़ा अपन इसको ना करें तो सीधे यहीं से करें, न्यू माइनस ओल्ड रेशो, या एक्स का या जेड का.
अब देखो आप क्वेश्चन में आपको न्यू रेशो कितना दिया है, लास्ट पॉइंट देखिए उसमें क्या लिखा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी 3:2। ठीक, इनका जो न्यू रेशो होने वाला है ये होने वाला है कितना 3:2, मतलब 3/5 और 2/5। ठीक, ये हो गया इनका न्यू रेशो। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इससे हम माइनस करेंगे ओल्ड रेशो, तो एक्स का ओल्ड रेशो, ये ओल्ड शेयर कितना है 5/10 और जेड का कितना है 2/10। इसको अगर अपन माइनस कर लें तो क्या जाएगा हमारा गेनिंग रेशो, की कितने किसने कितना गेन किया। ठीक, तो अगर हम इसको करें तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा एलसीएम। ठीक, 10 एलसीएम आया, इसमें 2 का इनटू होगा तो ये होगा कितना 6-5। ठीक, ये क्योंकि 3 में 2 का इनटू हो गया तो हो गया 6 और ये हो गया 5 का 5 ही। ठीक, अब अगर हम बात करें किसकी, Z की, तो Z का देखो इसका भी एलसीएम कितना होगा 10 होगा, यहाँ पे 5 है वो इंटू 2 करना पड़ेगा तो ये होगा 4-2। ठीक, तो ऐसे जो है रेशियो कितना आया इसका 1/10 और इसका कितना आया 2/10। तो ये क्या है, ये है गेनिंग रेशो X और Z के बीच का। ठीक, तो यहां पर X और Z ने किस रेशो में Y के शेयर्स को गेन किया, 1:2 में। तो यहां पर इसका मतलब ये कि ये जो 15,300 रुपए है ये X और Z जो देंगे, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये गेन कर रहे हैं तो यही देंगे ना। ठीक, तो X और Z जो देंगे वो किस रेशो में देंगे, 1:2 में, मतलब 5100 देगा X और Y देगा कितना 10,200। यहां पे कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना, एक्चुअली क्या है कि अपन अक्सर करते क्या है 3/5-5/10 ऐसा करते हैं, और मैंने इस फॉर्म में लिखा हूं तो मे भी आपको थोड़ी दिक्कत हो रही हो, बट ट्रस्ट मी सही है। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका गेनिंग रेशो, और ये निकल के पता चल गया हमको कि जो पैसा है गुडविल का वो एक्स कितना दे रहा है और वाई कितना दे रहा है, एक्स कितना दे रहा है और जेड कितना दे रहा है। ठीक, तो देख लेते एक्स कितना दे रहा है 5100, ये पैसा दे रहा है तो यहां पर इसके अकाउंट से डेबिट होगा, 5100 डेबिट हो गए, किसको जा रहा है पैसा, वाइज कैपिटल, वाई को जा रहा है, वाई रिटायर हो रहा है। ठीक, और कौन पैसा दे रहा है, जेड दे रहा है, कितना दे रहा है 10,200, तो 10,200 इसके अकाउंट से भी डेबिट हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ये दे रहा है और ये भी किसको दे रहा है, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब वाई को तो मिल रहा है ना, तो वाई के अकाउंट में क्या होगा, पैसा क्रेडिट होगा बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल, कितना 5100 इसका और 10,200 इसका। सो गाइज ये हो गया आपका गुडविल का ट्रीटमेंट। इसकी अगर अपन जर्नल एंट्री करें तो क्या जर्नल एंट्री होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी कि एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू वाई कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वाई को पैसा मिल रहा है बिकॉज वाई इज अ रिटायरिंग पार्टनर और वो अपने शेयर्स एक्स और जेड को दे के जा रहा है और वो लोग गेन कर रहे हैं। ठीक, सो गाइज ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आता है क्वेश्चन, इस वीडियो का मेन मकसद जो कि आपको समझाना था कि एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल कैसे किया जाता है इस कंडीशन के हिसाब से। तो सबसे पहले आप पॉइंट पढ़े हैं अपन लास्ट वाला, तो उसमें क्या बोल रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड विल बी 3:2। ठीक है, एंड देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस आपको देखो मैं बता रहा हूँ, होता है क्या अक्सर कि बहुत सारे, मतलब वैसे तो 2-3 तरीके हैं लेकिन एग्जाम में तो हमको पता नहीं ना कौन से तरीके से करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट पॉइंट ही होता है, इसमें ही पता चलता है कि आखिर करना क्या है। ठीक, तो देखो क्या बोला है इसमें कि देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर ये बोला है कि जो पार्टनर्स होंगे एक्स और जेड, उनकी कैपिटल उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होगी। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको कोई कैपिटल गिवन नहीं है कि भाई इतनी है 10,000 है इसको आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में रेशियो में डिवाइड करो, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। ठीक, तो होगा क्या इस कंडीशन में, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि एक्स और जेड की जो एडजस्टेड कैपिटल निकल के आ रही है, ठीक, कुछ ना कुछ आ रही होगी, इसका अगर अपन रफ कैलकुलेशन करें तो इसका कुछ बैलेंस आ रहा होगा, इसका कुछ बैलेंस आ रहा होगा, तो हम करेंगे क्या कि ये जो बैलेंस है उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। ठीक, तो एडजस्टेड कैपिटल को हम ऐड करेंगे, देन उसी को हम 200 में डिवाइड कर देंगे, ऐसे निकाली जाएगी न्यू कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड। तो देखिए अब कैसे करते हैं, एडजस्टेड कैपिटल किसकी, एक्स की और ये जेड की, और यहां पे आएगी इनकी न्यू कैपिटल। ठीक, देखो अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो 50, 20, 70 और 5, 75, 75,000 आ रहा है
क्रेडिट साइड का टोटल 75,000 माइनस कितना 1500 और 5100 ये कितना होगा 6600। तो 6600 इससे माइनस होगा तो निकल के आएगा 68,400। ये क्या आ गई एक्स की एडजस्टेड कैपिटल आ गई, हमने एसी का बैलेंसिंग की तो ठीक है, ये आ गई इसकी एडजस्टेड कैपिटल। सिमिलरली हम जेड की निकालते हैं 20, 22, 30 30,000 हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। इधर का देखो 30,000 माइनस 10,800, इसका 10,800 हो रहा है ठीक, माइनस अगर हम 10,800 करें तो आ रहा है कितना 19,200, मतलब 19,200 आ रही है क्या Z की एडजस्टेड कैपिटल, ये आ रही है Z की एडजस्टेड कैपिटल। अब देखो होना क्या है, देखो हमको बोला कि द कैपिटल ऑफ एक्स एंड जेड विल बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इनकी जो कैपिटल होगी वो इन्हीं के न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी। तो अपन को करना क्या है, देखो इन दोनों को मिला दो ठीक, अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं मतलब जोड़ देते हैं तो कितनी कैपिटल आ रही है 68,400 प्लस 19,200, इसको ऐड अगर अपन ने कर दिया तो कितनी आ रही है 87,600 ठीक, 87,600 आ रहा है, इसको हमने जोड़ा तो इतना है। अब फिर से इसको अलग अलग कर दो, लेकिन आप जो डिवाइड करोगे वो किस रेशियो में करोगे 3:2, न्यू रेशियो क्या है 3:2 ठीक। तो 3:2 में इनकी जो कैपिटल है एग्रीगेट कैपिटल वो डिवाइड हो जाएगी और इनकी सेपरेट सेपरेट न्यू कैपिटल आ जाएगी ठीक। तो देखो कितनी आ रही है इन टू 35,040 आ रही है इसकी न्यू कैपिटल। सो अब हो गया इंतजार खत्म, अब समझ में आएगा कि होना क्या है। ये क्या आ गई इनकी न्यू कैपिटल आ गई। देखो अब यहां पर आपको दिमाग ये लगाना है कि अभी अगर हम इनको टोटल करके बिल्कुल यहीं हिसाब किताब खत्म कर दें तो एक्स की कैपिटल कितनी होगी, इतनी होगी मतलब एडजस्टेड कैपिटल इतनी है और जेड की इतनी है ठीक। एक्स की अभी है इतनी, होनी कितनी चाहिए इतनी ठीक है, एक्स की अभी है इतनी, होनी इतनी चाहिए। तो इसको अपनी कैपिटल से कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालना पड़ेगा तब जाके तो इतनी कम होगी ना, डिक्रीज करना पड़ेगा इसको ठीक। और ये जो बंदा है इसको अपनी कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा तब जाके 19,200 से 35,040 होगी ठीक। तो यहां पर ये जो है वो करना पड़ेगा। क्वेश्चन को आगे पढ़े और देखे जरा क्या है, बोल रहा है द कैपिटल एडजस्टमेंट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। यहां पर कैश ब्राउट इन या फिर कैश पे ऑफ नहीं होगा, यहां पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट के थ्रू करना है ठीक। तो करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो देखो 68,400 उसकी कैपिटल अभी है और होनी कितनी चाहिए 52,560। तो ये भाई साहब को 15,840 रुपए निकालने पड़ेंगे, मतलब इनको इनका कैपिटल अकाउंट है जो एक्स कैपिटल अकाउंट, इसको डेबिट करना पड़ेगा 15,840 से तब जाके इनकी कैपिटल कम होगी ठीक। तो ये किस 15,000 से ही हो जाएगा, 15,840 से डेबिट हो जाएगा ठीक। ये होगा इनका अकाउंट डेबिट होगा भाई साहब का ठीक। अब आता है जेड, तो जेड का देख लेते हैं। देखो 3540 ठीक, 3540 माइनस 19,200 कितना, इसको भी 15,840 निकालना नहीं है, इसको लाना पड़ेगा क्योंकि इसकी 19,200 है और होनी कितनी चाहिए 3540। तो ये भाई साहब के अकाउंट में 15,840 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा तब जाके इनकी कैपिटल बढ़ेगी और यहां तक पहुंचेगी ठीक। ये हो गया इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट। अब देखो ध्यान से एक चीज और कि यहां पर ये वैल्यू सेम क्यों आई, ये वैल्यू सेम इसलिए आई, ए के पास 6 चॉकलेट है, बी के पास 4 चॉकलेट है ठीक। हमने दोनों की चॉकलेट को जोड़ा कितनी हो गई 10 हो गई और फिर हमने उसको एक नए रेशो में डिवाइड कर दिया, मान लो 1:1 में डिवाइड कर दिया, तो उसके पास 5 हो गई, उसके पास 5 हो गई। तो टोटल पहले भी 10 थी अभी भी 10 है, बस किसी की किसी को चली गई। लेकिन यहां पर ये नहीं हो रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो ये पैसा जो निकाल रहा है वो इसको दे रहा है कि भैया तू लगा ले, बिल्कुल नहीं, ये गलत फहमी कभी मत पालना ठीक। कारण इसका पता है क्या, ये दोनों अलग अलग पार्टनर्स हैं ठीक, ये इनके इनके सेपरेट कैपिटल करंट अकाउंट से काम होगा। देखो क्या हो रहा है, देखो यहां पर ये पैसा लेके आ रहा है ठीक, तो ये कहां से आएगा पैसा, इसी के करंट अकाउंट से आएगा ये पैसा ठीक, इसी के करंट अकाउंट से ट्रांसफर करके इसके कैपिटल अकाउंट में जोड़ा जाएगा।
इसको कोई पैसा दे नहीं रहा है, ठीक। सिमिलरली एक्स, एक्स जो है उसके कैपिटल अकाउंट से पैसा जा रहा है, लेकिन कहाँ जाएगा वो पैसा? वो पैसा जाएगा टू उसी के, मतलब जेड्स करंट अकाउंट में, ठीक। यहां पर जो एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, वो ये होगी कि एक्स निकाल रहा है पैसा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्स करंट अकाउंट, कितने? 15,840 रुपए। और जेड में क्या एंट्री होगी? कि जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जेड को कैपिटल ने अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा पैसा, ठीक, तब जाके तो उसके कैपिटल में ऐड होगा। तो ऐसे करके क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो एडजस्टमेंट था कैपिटल का, वो हो गया। ये करंट अकाउंट से हमने सब इसलिए किए क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला था कि आपको करंट अकाउंट ओपन करके करना है, और ये इन्हीं के करंट अकाउंट से होगा, एक दूसरे के से नहीं होगा, ठीक। देखो ये तो हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। इसमें अब हम ये निकाल लें कि आगे का फाइनल क्या होगा। देखो टू लोन, सॉरी देखो पॉइंट नंबर, अगर आप सी डी देखो तो उसमें क्या बोल रहा है, वाई विल बी पेड रुपीज 82,000 इन कैश। हम सबसे पहली चीज क्या कर रहे हैं, टू कैश अकाउंट 8200 रुपीज का पेमेंट वाई को दे रहे हैं, ठीक। हमने वाई को पेमेंट दे दिया, और क्या बोल रहा है, द बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अब जो बचेगा इसको देने का, वो कहाँ ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट में, टू लोन अकाउंट, ठीक, लोन अकाउंट। अब यहां पर लोन अकाउंट का अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा वो देखो, 40,000 + 30,000 + 20,000 + 1,500 + 10,000 + 200, ठीक। ऐसे करके 70,300 रुपए इसको देने के निकल रहे थे, जिसमें से डेबिट का भी चीज आई, क्या है डेबिट, 900 रुपए डेबिट हुए, ठीक। और क्या एक चीज, इतने रुपए इसको देने के बन रहे थे, लेकिन हमने 8200 रुपीज अभी ही इसको दे दिए, तो उसको भी अपन माइनस कर देते हैं। तो अब इसको कितना देने का बाकी है जो कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो है 61,200। तो 61,200 रुपीज जो है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे वाई के, वाइज लोन अकाउंट, ठीक। तो यहाँ वाई का हिसाब किताब तो क्लियर हो गया, ठीक। अब यहां पर हम बाय बैलेंस कैरेट डाउन से इनकी कैपिटल भी लिख लेते हैं, न्यू वाली। इसकी न्यू कैपिटल कितनी, 52,560, और इसकी कितनी आ रही है, 34,000 35,040, ठीक। ये हो गए इनकी न्यू कैपिटल, टोटल आएगा सेम, ठीक। सो गाइस ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखिए बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होंगी वो देखिए, क्रेडिटर्स आपको 21,000 रुपीज के दिए थे, ठीक, लेकिन क्रेडिटर्स में कोई भी तरीके का चेंजेस नहीं आए, इसलिए एज इट इज लिखे जाएंगे 21,000, ठीक। अब IFF अगर लिखा था आपको बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में दिख रहा होगा, जो IFF पहले ही डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक, तो अब तो रहेगा ही नहीं, ठीक। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया था 40,000 रुपए का, जिसको भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ये देखिए IFF और P&L, ठीक। तो यहां पर बैलेंस शीट में वो लोग तो आएंगे नहीं, ठीक। यहां पर जो आएगी वो चीज क्या होगी, कैपिटल अकाउंट, कितना, एक्स और जेड का। एक्स की कैपिटल कितनी निकाले हमने, 52,560, और इसकी निकाले 35,040। तो ऐसे इनकी कैपिटल आ गई, टोटल कितना होगा इसका, 87,600, ठीक। ये होगी इनकी कैपिटल। अब देखो और लाइबिलिटी साइड और क्या चीज आएगी, वो होगी क्या, लोन अकाउंट। देखो यहां पर हमने लोन अकाउंट में वाई के कितना पैसा ट्रांसफर किया, 61,200, मतलब फर्म की लाइबिलिटी है कि वाइज लोन अकाउंट के नाम से पैसा देना है वाई को, कितना, 61,200, ठीक। ये हो गई एक और लाइबिलिटी। अब देखो एक चीज, ये तो हो गई चलो लाइबिलिटी साइड, अब देखते हैं असेट्स। आपको लैंड एंड बिल्डिंग दी हुई थी सबसे पहले 62,000 की, कोई चेंजेस नहीं आया लैंड एंड बिल्डिंग में, एज इट इज लिखी जाएगी इसलिए, ठीक। मोटर वैन में भी कोई चेंजेस नहीं है, वो भी 20,000 लिखे जाएंगे एज इट इज, ठीक। इन्वेस्टमेंट भी सेम, इन्वेस्टमेंट भी कितना, 19,000, ठीक। उसके बाद क्या दिया, मशीनरी में भी कोई दिक्कत नहीं है, मशीनरी भी उतनी ही वैल्यू है उसकी अभी भी, 12,000, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, स्टॉक बोला है, स्टॉक भी कोई चेंज नहीं है स्टॉक में, 15,000 के 15,000 का है स्टॉक हमारा, ठीक। ये 15 या 18 जैसा लग रहा है, 15,000, ठीक। अब देखो आता है डेप्टर्स, डेप्टर्स में इंपॉर्टेंट चीज ये कि डेप्टर्स आपको दिख रहे होंगे 40,000 रुपए के, जिसमें से 3,000 रुपए का प्रोविजन माइनस है। सो अब यहां पर आपको क्वेश्चन में चीज बोली थी कि प्रोविजन जो है वो 1,000 रुपए से कम हो रहा है, मतलब अब वो 3,000 नहीं है जो 40 में माइनस हुआ, वो कितना है अब, 2,000, ठीक। तो यहां पर डेप्टर्स
40,000 के होंगे जिसमें से 2,000 का प्रोविजन माइनस होगा, ठीक। ये डेप्टर्स 40,000 के होंगे, 2,000 का माइनस होगा, पहले 3 का था, ठीक। तो ऐसे डेप्टर्स कितने के होंगे अब 38,000 के, ठीक। ये हो गया आपका डेप्टर्स का हिसाब। अब आते हैं इसमें लास्ट चीज क्या दी है, कैश। तो कैश में आपको एक चीज समझने वाली होगी कि कैश का जो आपको पुराना बैलेंस है कितना दिया है वो आपको 16,000, ठीक। क्या कोई इसी तरीके का खर्चा या फिर कहीं से हमको रिसीव हुई है क्या कैश? हाँ, ये देखो, सिर्फ हमने यहां पर एक बंदा है मतलब वाई को जो पेमेंट दिया था इमीडिएट 8,200 रुपए का, तो वहां बस कैश का यूज हुआ है, तो यहां पर 8,200 रुपीज माइनस हो जाएंगे क्योंकि कैश का यूज हुआ है, और बचेगी कितनी कैश में 7,800, ठीक। ऐसे ही कैश का न्यू बैलेंस आ गया, ठीक। तो ये हो गई भाई असेट्स की चीजें। अब भी क्या कोई चीज बची है? बिल्कुल बची है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। हमने जो करंट अकाउंट ओपन किए थे, जेड का करंट अकाउंट ओपन किया था और एक्स का करंट अकाउंट ओपन किया था, उन करंट अकाउंट्स का भी बैलेंस हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। आपने क्या किया था, जेड के करंट अकाउंट से पैसा निकाल के मतलब उसको डेबिट करके जेड के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था, ठीक, और एक्स के कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल के डेबिट करके एक्स के करंट अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर किया था। तो यहां पर एक्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है और जेड के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो हो रहा है, ठीक। तो यहां पर होगा क्या, ये जो बैलेंसेस होंगे ना करंट अकाउंट के, इनको भी आपको लिखना पड़ेगा। जो क्रेडिट बैलेंस होता है करंट अकाउंट का वो लिखा जाता है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक। देखो यहां पे आएगा एक्स कैपिटल, सॉरी एक्स करंट अकाउंट, इसका अकाउंट में कितना बैलेंस शो हो रहा है 15,840, ठीक। सिमिलरली जेड का करंट अकाउंट डेबिट हुआ था, करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस जो रहता है करंट अकाउंट किसका, ये जेड्स, इसका कितना शो कर रहा है 15,840, ठीक। ऐसे करेंगे तो ये जो दोनों करंट अकाउंट के बैलेंस होंगे वो एक लायबिलिटी में आएगा और एक असेट में आएगा। अब एक और चीज रह गई है, वो चीज क्या, वो चीज है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्कमैन का कंपेंसेशन। आपने 4,000 रुपए देने का वादा किया है वर्कमैन को, तो वर्कमैन का जो कंपेंसेशन होगा वो भी फर्म के लिए लायबिलिटी होगी। पूरे 4,000 रुपए लायबिलिटी इसलिए क्योंकि वो 4,000 मांग रहे हैं, ठीक। और यहां पे भी हमने 4,000 लिखे क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्व भी नहीं था ना कोई फंड था रिकवर करने के लिए, ठीक। तो 4,000 रुपए आएंगे। अब देखते हैं हम टोटल कितना हो रहा है, 189,640। सो गाइज ये हो गई हमारी बैलेंस शीट टैली, ठीक। सो गाइज ये था एडजस्टमेंट ऑफ अ कैपिटल की सेकंड मेथड, जहां पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ता है। वीडियो बहुत बड़ा हो गया, उस बात के लिए माफी चाहता हूं, बट ये चीज समझना जरूरी था। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कोई कंफ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।